एन लिया हमने सामान्य रूप से, कोई फार्मूला निकालते हैं हम जनरल फॉर्म जनरली, ठीक है। तो एन कोई लिया और एन जो है डिजोल्व होकर के कितना मिला, एन ए मिला। यदि हम मान लेते हैं टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर हमने इसके कितने मोल लिए, एक मोल लिए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही टी बराबर साम्यावस्था पर आएंगे बच्चों, टी बराबर साम्यावस्था पर आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टी बराबर साम्यावस्था पर आएंगे तो वन माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्या लिया था हमने, एक मोल में उपस्थित आपका क्या होगा, कितने वियोजित हुए, एक मोल में से कितने वियोजित हुए उसकी संख्या है एक्स। अब यहां पर देखिए एन ए हो रहा है तो यहां पर कितना हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, होगा ना, सिंपल है। यदि ये एक है तो एन ए हो रहा है, दो होगा तो दो एन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहां पर वन माइनस एक्स लिया तो ये एन ए कितना हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम फार्मूला निकाल लेते हैं, यानी इसलिए आई बराबर, आई बराबर क्या हो जाएगा, वियोजन के पश्चात, वियोजन वियोजन के पश्चात कुल मोल, वियोजन के पश्चात कितना होगा, कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व, वियोजन के पूर्व कुल मोल, है ना। अब देखिए वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या कितनी हुई, इतना हुआ वन माइनस एक्स प्लस एन एक्स बटे, वियोजन के पूर्व कुल मोल कितने थे, वन और जीरो, यानी वन प्लस जीरो, आई बराबर इतना हुआ, ठीक है। अब यहां से जैसे ही आप आई बराबर इतना हुआ तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस एन एक्स, ठीक है, यहां हुआ। अब चूंकि इसके आगे यदि आप हल करते हैं तो देखिए वन को इधर ला रहा हूं मैं, यानी आई पहले से था, आई माइनस वन बराबर, यहां पर कितना बचा, एन एक्स माइनस एक्स बचा, ठीक है। यानी यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन हो जाएगा, यानी i माइनस वन इज इक्वल टू x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, i माइनस वन बटे n माइनस वन। यानी ये जो जनरली फार्मूला मिला ये किसके लिए मिला, वियोजन के लिए मिला, और आप आराम से जब न्यूमेरिकल हल करेंगे ना परीक्षा में तो वियोजन के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी अभी तक हमने जो देखा ना, अभी क्या देखा कि वियोजन के केस में हमने फार्मूला कॉन्सेप्ट वाइज सीखा था, इसी चीज को लाने के लिए ताकि रटना न पड़े, ठीक है। x बराबर i माइनस वन बटे n माइनस वन, इस चीज को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि वियोजन संगुणन के स्थिरांक में, ये वियोजन स्थिरांक को आप संगुणन के लिए देख लेते हैं, संगुणन के लिए क्या होगा, संगुणन के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। चलिए अब एक लास्ट कर लेते हैं, संगुणन के लिए कैसे निकालते हैं फार्मूला, उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जनरल फार्मूला एक एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद जनरल फार्मूला से भी हल करेंगे, ठीक है, संगुणन के लिए, ठीक है। संगुणन, ये संगुणन होगा, ठीक है। संगुणन के लिए क्या किया हमने, सिंपल लिया CH3COOH को, तो आपने क्या देखा कि जैसे इसका वियोजन दो लिया ना तो ये एक बन जा रहा था, क्यों बन जा रहा था, हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़ जा रहे थे, ठीक है ना, CH3COOH ये जुड़ करके एक बन रहा था, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर t बराबर जीरो पर आपने एक मोल लिया, एक मोल ही ले रहा हूं, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये आपका जीरो ही होगा, क्योंकि अभी क्या हुआ, आपने डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं कराया। अब मान लीजिए t बराबर साम्यावस्था पर, तो t बराबर साम्यावस्था पर जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा वन माइनस एक्स होगा, क्योंकि x अणु संगुणित हो रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, वन माइनस एक्स है, हमने एक ही माना, ये दो इसलिए दिखा हमने कि चूंकि हम केवल एक के लिए ही, एक मोल के लिए ही परिभाषित कर रहे हैं व्यंजक, तो इसलिए हमने इसको एक मान लिया। अब स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये जीरो हो जाएगा। t बराबर साम्यावस्था पर यदि ये वन माइनस एक्स है तो ये कितना आएगा,
कितना आएगा बच्चों बताइए। देखिए यहाँ पर यदि ये दो है तो ये कितना हो रहा है, एक हो जा रहा है। चार होगा तो कितना होगा बच्चों, दो होगा। छह होगा तो कितना होगा, तीन होगा। आठ होगा तो कितना होगा, चार होगा। ऐसे ही यदि ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू आएगा ना। समझिए ध्यान से, कितना हो रहा है, आधा हो रहा है ना, आधा ही हो रहा है। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं तो एक्स होगा तो एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर इसकी संख्या क्या आ जाएगी, एक्स बाई टू। बस यही चीज समझना है इसमें, अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या होगा, संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या। तो कितना है, ये है यानी वन माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू बटे क्या होगा, संयोजन या वियोजन के पूर्व कुल मोलों की संख्या ये है आपका, तो वन प्लस जीरो यानी ये आ जाएगा आपका। देखिए कितना आएगा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, आई बराबर कितना आएगा, वन माइनस एक्स है ना, माइनस क्या करता हूं यहां से दो टू एक्स में से एक एक्स जाएगा है ना, यानी माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा है ना। इतना होगा ना आपका, या एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, चलिए ठीक है। यहां से क्या करता हूं मैं, यहां पर आगे लिखता हूं वन माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू आ जाएगा यहां पर। ठीक है ना, अब यहां पर जैसे ही आई बराबर वन माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू होगा तो आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए वन माइनस, देखिए एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा एक्स बाई टू, यानी आई का फार्मूला कितना आ गया बच्चों, वन माइनस एक्स बाई टू। यदि 100% वियोजन हो रहा है बच्चों तो उस केस में एक्स बराबर कितना लेंगे आप, एक्स बराबर वन लेंगे, तो वन लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे मान तो कितना आ जाएगा, आई बराबर वन माइनस एक बटे दो, यानी एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, यानी आई बराबर कितना आया, एक बटे दो आया। वही चीज तो यहाँ पे आप सिंपल इसके पहले फार्मूला से निकाल रहे थे। तो आई बराबर क्या होता है, संयोजन या वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या एक है तो एक हो गया, और संयोजन या वियोजन के पूर्व कुल मोलों की संख्या दो है तो दो आ जाएगा, यही तो मान आया यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से ये फार्मूला आएगा जब 100% वियोजन न हो रहा हो तो, लेकिन 100% वियोजन के केस में आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका संगुणन स्थिरांक कहलाता है यहाँ पर, x जो है। ठीक है, x वही है वहां पर आपका कहला रहा था, क्या x कहला रहा था वियोजन स्थिरांक, यहाँ पर संगुणन स्थिरांक कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सिंपल देखते हैं इसी पर आधारित। ठीक है, चलिए मान लीजिए संगुणन पे ही हमने एक जनरली फार्मूला लेते हैं कि कोई संख्या है। ठीक है, अब इस संख्या में ना मैं एक इसी टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एक बार और क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, मान लिया हमने यहां पर कोई लिया 4a और ये डिजोल्व होकर के क्या बना बच्चों, a4 बचा बन रहा है। ठीक है, यानी डिजॉल्व होकर के, तो अब समय t बराबर 0 पर ये कितना है, इसका यदि एक मोल लेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि अभी डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब यहां पर t बराबर जैसे ही साम्यावस्था पर लेंगे आप तो देखिए क्या होगा, साम्यावस्था पर आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक चीज देखने वाली बात है। देखिए चार है तो कितना मिल रहा है, वन मिल रहा है। आठ यदि मिला तो कितना मिलेगा, दो मिलेगा। यदि बारह हो तो कितना मिलेगा, तीन मिलेगा है ना, चार चार का भाग हो रहा है ना, यानी एक चौथाई मिल रहा है आपको, क्योंकि चार है तो एक मिल रहा है, आठ है तो मिल रहा है, यानी यदि एक्स है ये तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई फोर होगा ना, अभी उस वाले कॉन्सेप्ट में एक्स बाई टू वाले कॉन्सेप्ट में एक्स बाई फोर हो जाएगा। ये क्लियर है यहां तक, तो ये कॉन्सेप्ट देखना है, सॉरी यहाँ x बाई फोर होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब आसानी से फार्मूला लगा लीजिए, i बराबर संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई फोर बटे संयोजन या वियोजन के पूर्व कुल मोलों की संख्या कितना है, 1 प्लस जीरो। हल कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई फोर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 माइनस माइनस चार एक्स
अब प्लस एक्स यानी 3x आ जाएगा बटे 4, ठीक है। यानी आई बराबर कितना मिला बच्चों, 1 - 3x/4 मिला, ठीक है। तो ये वो जनरल फार्मूला मिला आपको जो आई बराबर 1 - 3x/4 मिला। अब यदि मान लीजिए यहां पर 100% संगुणन हो रहा है तो क्या करेंगे आप, 100% संगुणन के केस में क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 लेंगे। एक्स बराबर 1 यदि लेंगे तो इस फार्मूला में रखिए, देखिए कितना आ रहा है, आई बराबर 1 - 3×1/4 यानी 4, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी आई बराबर कितना मिला बच्चों, 1/4। यही तो शॉर्टकट फार्मूला मिला था। देखिए यदि इस तरीके से भी आप निकाल रहे थे जनरल फार्मूला से तो क्या होगा, संयोजन अभियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या कितनी है, 1 है यहाँ पर, और संयोजन अभियोजन के पूर्व कुल मोलों की संख्या कितना है, 4 है, तो 4, तो आई बराबर कितना आ रहा था, 4। वही चीज यहाँ पे आपने निकाला है। तो ये जनरली फार्मूला है बच्चों, इस तरीके से आप यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस संगुणन का एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सामान्य रूप से अब एक फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं जो कि बहुत आसान होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए सामान्य रूप से हेडिंग लगाइए और इसमें एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं संगुणन के केस में क्या होगा, ठीक है। चलिए सामान्य रूप से हम मान लेते हैं, सामान्य रूप से मानेंगे क्या, यदि एन ए कोई लिया हमने और ये डिसोसिएट होकर के क्या बन रहा है, ए एन बन रहा है, ठीक है। एन मोल लिया हमने तो वो ए एन बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर t बराबर 0 पर लेंगे, मान ले इसका एक मोल लिया तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था। यदि t बराबर साम्यावस्था पर चले हम तो वहां पर अब इसमें डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन कितना होगा, मान लिया हमने 1 - x कराया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए एन ए था तो कितना हुआ, n मिल रहा है आपको। अभी आपने देखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x/n हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि n से डिवाइड हो रहा था अभी देखा हमने, तो x/n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसलिए i बराबर फार्मूला निकालेंगे क्या, संयोजन अभियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या 1 - x + x/n बटे संयोजन अभियोजन के पूर्व कुल मोलों की संख्या तो 1 + 0, ठीक है। अब यहाँ पर i बराबर हमारे पास मिला 1 - x + x/n, ठीक है। अब यहां से चूंकि x का मान निकालना है हमें, ठीक है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1 को इधर ले रहा हूं मैं, तो i - 1 बराबर यहां क्या बचेगा, x/n - x बचेगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो 1/n - 1 बचेगा, i - 1 है ही। x का मान निकालेंगे यहां से तो x बराबर i - 1/1/n - 1, ये फार्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। और यहां से इस फार्मूले से आप आसानी से ये क्या होगा, संगुणन स्थिरांक बोलते हैं इसको, संगुणन स्थिरांक, ये आपके ना न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।